भरतपुर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ का गनमैन भी कोरोना पॉजिटिव निकला। भरतपुर एसपी के गनमैन के बाद अब पीए भी कोरोना पॉजिटिव। एसपी के पीए के बेटा बेटी भी कोरोना पॉजिटिव निकले। मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इसी के साथ 252। पुलिस महकमे में एक बार फिर से यहाँ खलबली मच गई है। एसपी के पीए के बेटा बेटी भी कोरोना पॉजिटिव निकले। लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो भरतपुर में बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 252 यहां। पुलिस महकमे में एक बार फिर से खलबली मच गई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए भरतपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा जति फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, किस प्रकार से वो लोग संपर्क में आए और अब पूरा जो खलबली है वो पुलिस महकमे में यहाँ पर मच चुकी है। लगातार ये ग्राफ यहाँ पर बढ़ता हुआ। जी महिषा, मैं बताना चाहूंगा जी, भरतपुर के हालात कोरोना को लेकर के चिंताजनक बनते जा रहे हैं। अभी भी हालत चिंताजनक ही है जी। जब कोरोना वायरस का जब बुलेटिन आ जाता है उसका इंतजार रहता है। आज रात को भी 12:30 बजे मेडिकल का बुलेटिन आया, जिसमें आज चौंकाने वाला बुलेटिन दिया, जिसमें आज पुलिस और चिकित्सा विभाग के महकमे में को लेकर के हलचल मची है। जहां पहले एसपी का गनमैन कोरोना पॉजिटिव मिला था, उसके बाद एसपी क्वारंटाइन हो गए थे। उसके बाद आज जो कोरोना के जो परिणाम आए, 5 सुबह जो पॉजिटिव केस निकले हैं, उसमें डीआईजी का आज गनमैन भी निकला है, पॉजिटिव निकला है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, डीआईजी के और लोगों के जो डीआईजी खुद सहित उनके परिवारजनों के जो सैंपल लिए थे वो सब निगेटिव निकले हैं, लेकिन डीआईजी का गनमैन आज पॉजिटिव आया। वहीं दूसरी ओर एसपी के गनमैन के पॉजिटिव निकलने के बाद में जब उनके सैंपल रैंडम सैंपल की गई है तो उसमें एसपी का बेटा मतलब जो है पॉजिटिव निकला है। और आज जो है एसपी का पीए और उसके एक बेटा और एक बेटी सहित 3 जने ये कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस कोरोना को लेकर के यहाँ हालात चिंताजनक है। चिकित्सा विभाग में भी जो जनाना हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, इंचार्ज हैं उस डॉक्टर सुरेशगढ़, वो पॉजिटिव निकले हैं। उनके बाद में आज उनका बेटा जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है वो भी आज पॉजिटिव आया है। इस डॉक्टर सुरेश गर्ग के पॉजिटिव आने के बाद हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग होम आइसोलेशन चले गए, क्योंकि बार जब वो आए थे तो डॉक्टर सुरेश गर्ग के साथ उन्होंने जनरल अस्पताल का विजिट किया था और मीटिंग भी ली थी और कई लोगों से संपर्क भी हुआ था। इस चिंताजनक हालत को देखते हुए हालांकि अभी इसके बाद 5 पॉजिटिव केस और मिले हैं। आज ये सब मालीपुरा और एक भरतपुर शहर का भी है। इसके अलावा अब तक कुल जो पॉजिटिव केसों की संख्या है वो 252 हुई है। 5 दिन में जो पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी हुई है वो एक चिंताजनक वाली बात रही है और भरतपुर के लिए भी हालात चिंताजनक ही बनते जा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें भरतपुर में कोरोना का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ का गनमैन यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।